लोगों का माइंड और बॉडी, लोगों का माइंड और बॉडी बहुत ही पॉजिटिव है। मोदी जी के लिए बहुत ही एक सुखानुभूति है यहाँ में, और मेरा लगता है हमारा डबल इंजन का सरकार इस बार उड़ीसा में बन जाएगा। लोगों का कैसे सपोर्ट मिला सर? बहुत बढ़िया। लोगों का बीजेपी का मैनिफेस्टो का हर पॉइंट मालूम है। जो पार्टी को वोट देना है उसी पार्टी का मैनिफेस्टो लोग पढ़ते हैं। अभी मैंने बताया MSP कितना होगा, मैंने बोला नहीं, लोग बोला 3,100 होगा। मतलब लोगों ने बीजेपी का मैनिफेस्टो का हर पेज पढ़ा है, ये हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल है। सर, अगर अगर 400 बीजेपी नहीं आएगा तो आपको लगता है सच में कांग्रेस राम मंदिर की जगह पे बाबरी मस्जिद बना देगा? देखिए, हमें 400 चाहिए, इसलिए आगे जाके हमें द्वारिका में भी काम है, मथुरा में भी काम है और काशी में भी हमारा काम है। सारे काम करने के लिए हमें सारे चाहिए। अरे संविधान का साथ, संविधान तो मोदी जी 10 साल था ही, संविधान तो बदलना था तो 10 साल में ही बदल लेता था। लेकिन हमको 400 चाहिए। मुसलमान का आरक्षण खत्म करना है देश में। आरक्षण कोई धर्म का नाम में नहीं हो सकता है। हमें काशी में हमारा आधा काम है, हमारा मथुरा में काम है, हमारे आगे बहुत कुछ काम है और ये काम करने के लिए हमें सारे सही है। इंडिया अलायंस बोल रहा है कि 3 चरण का मतदान हो गए और पिछड़ गए, इसीलिए वो कहां हम तो चुनाव करके आया हूँ। लास्ट टाइम से हमें बहुत आगे निकाल चुका हूँ, हमारा तो 200 सीट हो चुका है ऑलरेडी। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकारों ने बोले कि जो हिंदू का जो ये कम रहा है और मुसलमान का आबादी बढ़ रहा है। नहीं, वो तो सच बात है। देश में डेमोग्राफी तो चेंज हो रहा है ना। देश में हर प्रदेश में मुसलमान का आबादी बढ़ रहा है, हिंदू का आबादी कम हो रहा है। ये फैक्चुअल है, ये स्टेटिस्टिकल डेटा है, ये कोई मेरा और आपने बनाने वाला डाटा नहीं है। ओडिशा सरकार ने बोल रहा है कि जगन्नाथ टेम्पल को डेवलप किया है तो आपको। लेकिन जगन्नाथ मंदिर में मैं कार्तिक महीना में आया था, उनमें कोई व्यवस्था था? लोग घंटा घंटा रात तक लाइन में खड़ा था, कुछ व्यवस्था ही नहीं था वहाँ मंदिर में। आज आप काशी विश्वनाथ जाइए, कैसा व्यवस्था बना है। तो मंदिर को कोई, ये बीजेपी का मंदिर नहीं है, ये उड़ीसा का मंदिर है, जगन्नाथ बाबा का मंदिर है, प्रभु का मंदिर है। प्रभु का मंदिर अच्छा होना चाहिए, ये बीजेपी हो या बीजेडी हो, प्रभु का मंदिर अच्छा होना। सर, कांग्रेस ओवरसीज प्रेसिडेंट सैम पिट्रोडा रिजाइन इन अ कंट्रोवर्शियल इशू, व्हाट डू यू से? आई मीन ही एक्टेड शेमफुली, बट ही शुड नॉट हैव बीन अलाउड टू रिजाइन। ही शुड हैव बीन सेक्ट एंड ही शुड हैव बीन सस्पेंडेड, एक्सपेल फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी, बट राहुल इज नॉट डूइंग दैट। थैंक यू।